हेलो दोस्तों, फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल टेक्निकल शील में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप तो काफ़ी एक्साइटेड होंगे आज, जैसा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि एक न्यूज़ आ रही है कि PUBG इंडिया में बैन हो चुका है। जी हाँ, PUBG समेत 118 ऐप जो इंडिया में बैन हो गया है। इंडियन गवर्नमेंट से बहुत ही अच्छा ये डिसीजन लिया है कि PUBG को इंडिया में बैन कर दिया गया है। जब TikTok बैन हुआ था तो उस वक्त भी काफ़ी चर्चा था, काफ़ी हंगामा था कि PUBG बैन होगा या नहीं होगा। इस पर काफ़ी विचार विमर्श चल रहा था। काफ़ी लंबे समय से विचार विमर्श करने के बाद हमारी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि PUBG को भी इंडिया में बैन किया जाएगा और कर दिया गया है। PUBG समेत 118 चाइनीज ऐप्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है। दोस्तों, जहाँ तक देश का सवाल है तो देखा जाए, जहाँ तक देश का सवाल है तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि जो PUBG को इंडिया में बैन कर दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ मुझे मेरी सिंपथी उन यूट्यूबरों के साथ भी है जिनका गेमिंग चैनल था, PUBG गेमिंग चैनल था, जो PUBG की वजह से उनका चैनल चलता था, गेमिंग चैनल। तो अब उनके लिए प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम हो गया है कि जब PUBG बैन हो गया है तो उनके चैनल का अब क्या होगा। तो मेरी सिंपथी उनके साथ है। चलिए, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है, तो आगे कुछ ना कुछ होगा जिससे आपके लिए दूसरा रास्ता खुलेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत खुश होंगे इस डिसीजन से, जो सरकार ने ये डिसीजन लिया है देश हित में, PUBG को बैन करके आप भी काफ़ी खुश होंगे। दोस्तों, तो इस तरह से देखा जाए तो PUBG को बैन करके काफ़ी चीज़ों को बचाया गया है PUBG से। जैसे कि PUBG, जो स्टूडेंट PUBG ज़्यादातर स्टूडेंट खेलते थे, अपना टाइम ज़्यादातर PUBG पर वेस्ट करते थे, पढ़ाई पर ध्यान कम था और काफ़ी चीज़ वेस्ट होता था, टाइम वेस्ट होता था, मनी वेस्ट होता था, जिससे लोग दिन रात PUBG पे लगे हुए हैं और जिससे कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई काफ़ी इफेक्ट होती थी। तो इस तरह से बहुत सारे डिमेरिट्स हैं जो PUBG से हम देख सकते हैं। तो सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस डिसीजन से काफ़ी खुश होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।